नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज और आप देख रहे हैं टेक हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों आपके साथ चर्चा करने वाला हूं बिटकॉइन और सडन मार्केट जो डंप देखने को मिला आपको उसके बारे में। और ये डंप की इन्फो मैं ऑलरेडी आपको मल्टीपल टाइम्स आपको दे चुका हूं। कैसे 71,300 इज अ मेजर क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन फॉर बिटकॉइन, और इसको ब्रेक करना जब तक हम इसको सक्सेसफुल नहीं मानेंगे, जब तक इसके ऊपर वन डे से लेकर वन वीक तक इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता। बट हो क्या रहा है, ये सिंगल वीक वहां तक लगाता है, लोग फॉर्मो में आ जाते हैं और फिर अंधाधुंध वीडियो शुरू हो जाती है। 80,000, 50 लाख, 1 लाख के अंधाधुंध वीडियो शुरू कर देते हैं सब लोग। बट अभी आप देख रहे होंगे कि हमारा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि भाई 71,300 से लेकर 73,000 एक मेजर आपका जो रेजिस्टेंस है, यहां से रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा हैं। अब साथ के साथ एक एस्पेक्ट और था, जैसे कि आपको मैं अपने थंबनेल के अंदर भी मैं बताने की कोशिश कर रहा था, बीटीसी हाविंग का जो ड्रामा है वो शुरू हो गया दोस्तों। और साथ के साथ 12, 13, 14 अप्रैल को ये हैवी रिस्की रहने वाला मार्केट, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा आज 13 तारीख को, 12 तारीख को मार्केट ने सडन डंप दे दिया 69 से लेकर सीधा $65,000 को ये टेस्ट कर चुका है। अप्रोक्सीमेटली 71,000 करीब 900 तक जाने के बाद वापस से डंप हुई है। चल करीब $5,000 से $6,000 का इसके अंदर आपको देखने को मिला। लास्ट टाइम भी काफी अच्छा ज्यादा इसके अंदर डंप देखने को मिला था, 60,600 के आसपास तक गई थी। इथर की बात करते हैं तो इथर गया है, अभी आपको प्राइस ऊपर दिखाई दे रहा होगा 3283, जबकि इसका प्राइस 3060 तक ही गया था। अगर आपने मेरी कल की वीडियो अगर आपने देखी है मेरी, उसके अंदर आपको बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया गया था कि भाई 3067 पर भी एक एंट्री थी हमारी इथर की, नहीं है जाकर चेक कर लीजिए। नहीं मालूम है, हमारे शॉर्ट्स जो हमने इथर के शॉर्ट्स भी बनाई हुई है उसको जाकर देख लीजिए, बीटीसी की शॉर्ट बनाई हुई है उसको जाकर देख लीजिए, ठीक है। अगर उसके बेसिस पर एंट्रीज ली होगी तो आप अभी बहुत बढ़िया प्रॉफिट पर हो गए दोस्तों, ठीक है। तो अब चलते हैं दोस्तों मार्केट की तरफ, और जहां पर मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर चैनल पर नए आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के साथ ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा दोस्तों, बहुत ही मेहरबानी होगी आप सभी की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सबकी लाइक्स के साथ वीडियो टॉप पर आपको 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, उस डॉट्स पर जाकर वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो काफी दोस्त सज्जन है हमारे दोस्त जो हमेशा करते हैं कहते कि पहले मैं लाइक करता हूं उसके बाद वीडियो शुरू करता हूं। चलिए ठीक है, करते हैं शुरू आज के सेशन को। तो बीटीसी का करंट प्राइस 67,573, और आपको यह बताया गया था कि 65,000 के पास आपको एक एंट्री जरूर लेनी चाहिए। और यह भी कहा गया था कि भाई अगर आपको लगता है कि भाई इस पॉइंट पर अगर ऐसा होता है तो इसके चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। और मैं आपको अभी चार्ट भी देता हूं, अभी रुकिए आपको चार्ट भी देता हूं, डोंट वरी। बीटीसी की मैंने जस्ट अभी अपडेट दी थी ग्रुप के अंदर, हाँ देखिए बीटीसी की अपडेट यहां पर बिल्कुल क्लियरली दी गई है कि भाई बीटीसी इस लेवल के बाद इतना हो सकता है, ठीक है। अगर आपने वो देखा होगा तो अभी आप अच्छे खासे प्रॉफिट पर होंगे अगर आपने वो देखा होगा तो, बट अगर नहीं देखा होगा तो भाई फिर तो कुछ कह नहीं सकते। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। हिमालय शाह नमस्ते जी, जरूर, बस मैं आपके 2 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। बीटीसी देखिए अभी तक सिमेट्रिकल ट्रायंगल के नीचे है, साथ में अभी ये 200 EMA को अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। और यहां पर देखेंगे आप, यहाँ पर चार्ट बिल्कुल क्लियरली शो करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर इसने इसको तो ब्रेक किया 66,700 को, फिर हमारे पास $65,000 पर भी हमने एंट्री ली, 66,500 पर भी हमने एंट्री ली है। स्कैल्प वालों के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। 65,000 वालों के लिए जो मिड टर्म के लिए होल्ड करना चाहते, एक एंट्री यहाँ पर थी, दूसरी एंट्री 64095607005757, और उसके बाद 52,000 पर हमारी एंट्री है। अभी ये 200 EMA के अबो है इन 4 आवर टाइम फ्रेम, जो कि एक गुड साइन है, ठीक है। अब हम इसका एनालाइज हम बीटीसी डोमिनेंस के बेसिस पर भी करेंगे कि बीटीसी डोमिनेंस हमें क्या कहना चाह रहा है। बीटीसी डोमिनेंस जैसा कि आपको मैं कह रहा था 55 से वो वाट लगा देगा, और आप देख सकते हो कि जैसे इसने इसके फ्लैग बन रहा था यहीं से बोलना शुरू कर दिया था आपको, रिस्क है रिस्क है, तो मैं रिस्क है रिस्क है। और आप देख सकते हो कि मैसिव जो इसने डंप पंप लिया है,
उसके बेसिस पर आप देख सकते हो 55 से अबव है और ये अच्छा साइन नहीं है, ये अच्छा साइन नहीं है क्योंकि अभी इसके पास इसको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट मिलेगा जो कि पहले रेजिस्टेंस था जो कि इसको होल्ड कर सकता है, यानी कि 55.24 पर ये इसको होल्ड कर सकता है। और इसके बाद फिर देखिए दोस्तों, फिर हमें अच्छा खासा इसके अंदर मूव देखने को मिल सकता है, यानी कि हमें जो मूव मुझे जो नजर आ रहा है ना डोमिनेंस के बेसिस पर, मुझे कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको अगर पैराबोलिक मूव भी देखते हैं तो भी रिस्की है, मतलब यहां पर इसके बाद इसके पास काफी अच्छा मूव हो सकता है ऊपर जाने के लिए। और अगर जैसे ही BTC डोमिनेंस ठीक है 55 से ऊपर ठीक है अगर जाता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर मार्केट के अंदर और पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी, और जैसे जैसे इंक्रीज करेगा अल्ट्स की वाट लगाएगा। BTC के लिए एक और अपडेट बताना चाहूंगा आपसे, BTC अगर 80,000 से लेकर $82,000 तक अगर पहुंच जाता है, पहुंचा नहीं है आज तक, अगर पहुंच जाता है तो जो मेजर मीम कॉइन्स है लाइक पे और भी बहुत सारे कॉइन्स है जैसे फ्लोकी, डोगी, ये डोज कॉइन, इनको आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। और भी बहुत सारे कॉइन है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम चलते हैं ईथर के प्राइस पर। ईथर करंट प्राइस है 3297, हमने कल के दिन ही बाय किया था इसको, और देखिए कहां तक गया है ये, देखिए ये रहा कहां गए ये डंप डंप प्राइस कहां है भाई 3100 तक, जबकि ये बाइनेंस है और MEXC पर या फिर बाइबिट पर 3060 तक भी गया है, ठीक है। अभी यहां पर देखिए जिन लोगों ने बाय किया था अकॉर्डिंग टू आवर लेवल 3400 के नीचे, हमारे पास जो लेवल था 3060 था, 3062 और 3000, और यहां पर हमारी एक एंट्री हो चुकी है इन MXC और बाइबिट के एक्सचेंज के अंदर, ठीक है, मेरी खुद की भी एंट्री है। और इसके बाद फिर मैंने 3100 पर भी इसके अंदर एंट्री ली है, अब देखिए आप देख सकते हो कि करीब करीब 3300 3300 के आसपास पर इसका प्राइस पहुंच चुका है। अगर ये इसके वो सस्टेन करता है तो फिर 3400 का टारगेट रहने वाला है, और उसके बाद फिर जैसे भी सीनरी होगा आपको अपडेट दी जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बुलिश है, जब तक BTC 69,000 के नीचे है तो हमारा टारगेट रहेगा 65,000 जो कि हिट हो चुका है, उसके नीचे हमारे पास $63,000 है। अभी देखिए ये डंप हुआ तो थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, बाकी देखते हैं कितना स्टेबल कर पाता है नहीं कर पाता है। परसों वीकली क्लोजिंग भी है, यहां पर भी नजर रखेंगे। और साथ के साथ दोस्तों जो बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है इसराइल वार की, ईरान और इसराइल में, यहां पर न्यूज क्या निकल कर आ रही है, ABC न्यूज रिपोर्ट्स US ऑफिशियल से ईरान हैज प्रिपेयर्ड ओवर 100 क्रूज मिसाइल्स फॉर ए पॉसिबल स्ट्राइक ऑन इसराइल। 100 मिसाइलें दागने वाला है इसराइल के ऊपर, अगर ऐसा होगा तो वहां के जो बंदे पूरे देश के अंदर वो क्या करेंगे, बेचेंगे अपने क्रिप्टो को ताकि पैसा पैसा निकालेंगे, जो वहां की करेंसी के अंदर जो वहां पर जो फॉरेनर्स हैं जो रह रहे हैं वहां के, अगर वहां का लोकल एक्सचेंज का यूज करते हुए जो भी वो पैसा निकालेंगे वो, तो इस सिचुएशन में भी मार्केट के अंदर डंप देखने को मिलेगा। जैसा याद होगा आपको हमारा यूक्रेन और रशिया वार के अंदर हमने देखा था, ठीक है, और अभी तक उसका ड्रामा चल ही रहा है, ठीक है। तो नजर रखिएगा 12, 13, 14 तारीख रिस्की रहेगी, बोला था प्रॉफिट बुक करने के लिए जरूर करना चाहिए। तो अब चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चन पर, पोर्टल 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 की बात करते हैं। तो पोर्टल अभी देखिए डाउन ट्रेंड चैनल के अंदर है, इसने सपोर्ट को, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी थी तो यहां पर आपको एक एंट्री के लिए बताया था, जिन लोगों ने यहां पर एंट्री ली है, मैं कहता हूँ यहां पर एंट्री ली है तो इसके बाद ये करीब करीब 15% तक ऊपर भी गया था, अभी भी 10% ऊपर है। अगर फिर से एक एंट्री मिलती है तो पोर्टल में आप करीब करीब $1 के पास 1.032 0.98 सेंट तक आप एंट्री एक एंट्री देख सकते हैं। उसके बाद जैसे भी सिनेरियो होगा आफ्टर BTC हैविंग आप इसके अंदर दूसरी एंट्री देखोगे, ठीक है। टारगेट हमारे पास वही रहेगा 1.60 से 1.70 के बीच, बहुत आसानी से रहेंगे हमारे पास टारगेट इसके। पोर्टल को इनके चार्ट में अपना ट्विटर पेज के ऊपर शेयर कर देता हूँ, आप वहां पर जाकर इसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पोर्टल कर दिया है, और कोई क्वेश्चन हो जल्दी पूछिए दोस्तों। ऑक्शन हिमालय शादी अल्ट सीजन ही तो चल रहा था, टू 200 EMA को ब्रेक कर चुका है, ग्रीन कैंडल बनाई है, यानी कि शॉर्ट का सिग्नल नहीं दे रहा है, वेट करना पड़ेगा कल की कैंडल तक का ऑक्शन में, अभी कुछ नहीं, नो हड़बड़ी एंड खड़बड़ी, वेट कीजिए। एक्चुअली देखिए आप अगर कोई मुझे अगर फॉलो कर रहा है तो वो मेरे नेचर को जानते होंगे कि मैं कभी भी है ना अगर कोई बनती होगी तो मैं उसी वक्त आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि एंट्री बन रही है ले लो, ठीक है। बट इसमें कुछ नहीं है ऑप्शन में, छोड़ दीजिए अभी। एवो $2 ये 1.89, ये देखिए कितना भयंकर डंप हुआ है, एवो ने तो भैया लंका लगा दी, देखिए कहाँ से डंप होना शुरू हुआ ये, और देखिए कहाँ तक आया, अप्रोक्सीमेटली 50% डंप हुआ है, एवो ही बता रहा हूँ,
सचिन हतोले जी, ए वही बता रहा हूँ। ठीक है, वेट कीजिए कल का, और उसके बाद थोड़ा सा और क्लियर सिनेरियो देखने को मिलेगा। 14 तारीख तक थोड़ा सा रहेगा, और अभी BTC जो हाविंग है ये थोड़ा सा और मार्केट को पूरा ड्रामा कर रखा है BTC हाविंग ने इस वक्त। स्कैल्प कीजिए, छोटी छोटी स्कैल्प कीजिए। अरब देखिए, बाय कर सकते हो, पर अच्छे कोइंस प्रोजेक्ट्स को बाय कीजिए जो BTC के साथ पंप होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एप, BTC, ईथर, BNB, सोल, मैटिक और फिल, AVX और इसी तरह के BSV, इन तरह के जो मेजर प्रोजेक्ट हैं उन पर ध्यान दीजिए। लिंक, KSM, बैलेंसर, आवे, ये इस तरह के प्रोजेक्ट को ध्यान दीजिए जो है ना आपको BTC के साथ मूव कर दे। ADA, VChain, मतलब वेट कॉइन, डोट है, TRX को तो छोड़ दीजिए। ठीक है, नियर, और साथ के साथ आप बात कर सकते हैं INJ, 1 इंच, ये सब के सब आपका BTC के साथ मूव करेंगे। यहां पर आपके देखिए एटम भी है, काफी सारे प्रोजेक्ट है जो आप उसको देख सकते हैं। चलिए लीवर कॉइन को देख लेते हैं। लीवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे अभी सपोर्ट पर है। लीवर 4 आवर टाइम फ्रेम पे अभी सपोर्ट पर है, डबल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है इसके पास, अच्छा सपोर्ट है। अगर ये इसको होल्ड नहीं कर पाता, यानी कि करीब करीब 0.002779 को होल्ड नहीं कर पाता, तो फिर अपना करीब करीब 0.0020 के आसपास तक की उम्मीद हो सकती है। राम चौधरी जी, अगर आप मेरे टेलीग्राम में हैं तो अभी मैंने सिग्नल भी दिया था, और क्या बताऊं, ये देखिए अगर आप कह रहे हो जिसमें MNT का मैंने सिग्नल दिया हुआ, रात को 2:46 पर आज की डेट में DYDX का सिग्नल दिया हुआ, आपको एंट्री लेनी चाहिए थी जिसके अंदर एंट्री की बात कर रहे हो। ईथर का दिया हुआ है, बताइए, अब उसके बाद भी एंट्री नहीं ले रहे हो तो इट्स नॉट माई फॉल्ट। ठीक है, और आप चाहे तो हमारे VIP को ज्वाइन कर सकते हैं अनलिमिटेड सिग्नल्स पाने के लिए। एप को देख लेते हैं। एप अभी कुछ भी नहीं, बस यहां पे समझ लीजिए ट्रिपल बॉटम को टेस्ट करके बाउंस हुआ है। बेस्ट एंट्री $1 पर रहेगी एप की, बहुत बढ़िया एंट्री रहेगी $1 पर। चलो, और AR $18 के पास देखना इसको, अभी कुछ भी नहीं, $18 से पहले कुछ नहीं। ये बुर्ज खलीफा पैटर्न बना था, डबल टॉप और रिजेक्शन लिया है AR में। एप्टोस, एप्टोस देख लेते हैं। एप्टोस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर है, एक एंट्री बनती है। एप्टोस इफ यू वांट टू बाय एप्टोस कॉइन, एक एंट्री 9.23 से 10 के बीच में एक एंट्री बनती है। APT की बात कर रहा हूं मैं, एप्टोस की सेकेंड एंट्री आपको $8, तीसरी एंट्री आपको 6.52। सागर शुक्ला जी, देखिए प्रॉफिट बुकिंग, अगर आपने प्रॉफिट बुक, अब देखिए 70,000 वो 67,676 तक आ चुका है, यानी कि करीब करीब 2600 से $2700 और ऊपर आ चुका है। यानी कि आपने अगर आपका प्रॉफिट, मैं कहता 100% हो गया था अगर $65,000 तक, तो अभी आपका फिर से प्रॉफिट वही 55% तक का रह गया, आपने इतना मैसिव प्रॉफिट निकाल दिया। यानी आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, कम से कम कोशिश कीजिए हर 20-30% प्रॉफिट पर, 10-10-20-20% प्रॉफिट बुक करते जाए और उससे नीचे 20-30% नीचे स्टॉप लॉस चेंज करते जाए। अगर आप ऐसा करते तो मेरे हिसाब से आप 66,000 से अपने शॉर्ट से प्रॉफिट लेके एग्जिट कर चुके होते। मूवर, मूवर 616, अभी 1193 पे चल रहा है भैया, ओ सॉरी 616 कह रहा हूं मैं, एंट्री नहीं बोल रहा मूवर अभी। मूवर एंट्री नहीं बोल रहा है, वेट करो। अरब 1.1806, हमने अपनी एंट्री 1.16 पे ले ली है, जब इस रीसेंट डिप में एक एंट्री आप अभी के भी ले सकते हो अरब के अंदर।
अरब के अंदर एक एंट्री अभी के अभी ले सकते हो एंड होल्ड टिल मतलब उसके बाद जो सेकंड एंट्री आपको बताई जाएगी आफ्टर बीटीसी हाविंग, ले सकते हो एक एंट्री अभी के भी। पप्पू साहू गुड आफ्टरनून, 65,850% बुक कर लेते, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। 67,500 का स्टॉप लॉस यूज कीजिए। अब सागर शुक्ला जी ठीक है, फिल फिल 200 ईएमए के स्पोर्ट पर है, एक एंट्री ले लो अभी के अभी, बिल्कुल एग्जैक्ट अभी के अभी 6.65 के आसपास चल रहा है, एक एंट्री अभी ले लो। दूसरी एंट्री अगर आपको देखने का मौका मिलता है तो हम कोशिश करेंगे उसको करीब करीब $5 फिर दूसरी $4.25, टारगेट अपने ऑल टाइम हाई को भी अचीव करता है तो इट मीन्स यहां से भी ये करीब करीब 2x तक के आसपास जा सकता है आसानी से। मैं बात कर रहा हूं फिल की। तो दोस्तों वीडियो देख रहे हैं टॉप पर जाइए, इस तरफ है इस तरफ कहीं भी, हाँ मुझे तो आइडिया नहीं लगेगा ना, ऐसे यहां पर है कहीं पर 3 डॉट दिखाई देंगे, उस पर जाइए और वहां पर जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा हमारा प्यारा लाइक बटन, उसे दबाइए और कमेंट ठोक दीजिए, बस आप सबकी बड़ी अति कृपा होगी। कर दो लाइक यार, लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो लाइक नहीं कर रहे हो। चलिए और क्वेरी देखते हैं आप लोगों की क्या क्वेरी है। एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, एक मिनट। तो चलिए कोई आ गया था माफ कीजिएगा, तो चलिए आप लोग क्वेरीज देख लेते हैं। आप क्या क्वेरी है, डोज कोइन PYR INJ इंजेक्टिव प्रोटोकॉल INJ $25 पर भी बाय किया हमने रात को 2 बजे। चलिए देख लेते हैं, चलते हैं चार्ट पर आप सभी के साथ। चलिए INJ डोज और PYR INJ 27.16, क्या बात है, हमारी एंट्री हुई थी रात को, रातन को गहरी रात में, करीब करीब यही प्राइस था हमारा 25 समथिंग, कोई डेसिमल प्लेस में कुछ होगा 25-30 सेंट भी हो सकता है। तो अभी अगर हम देखें अभी तो चलो थोड़ा बहुत इस डिप में हमने कहीं तो 25.30 समथिंग से अभी चलो यार 7-5% कुछ तो प्रॉफिट लिया, इस गरीबी में आटा गीला होने से तो अच्छा है। लंका लगने की जगह हमने लंका लगाई है, ठीक है एक एंट्री ले लो INJ में अगर लेना चाहते हो तो, अरब में बोल दिया एक एंट्री लेना चाहते हो अरब में भी एंट्री ले सकते हो, सेकंड एंट्री आपको बताऊंगा मैं आफ्टर BTC हाविंग और वी विल मेक मनी 100% वी विल मेक मनी, ठीक है बट थोड़ा सा सिंसियरली और पॉजिटिव सोच रखने के साथ ही करना है, ऐसे अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करना नहीं तो लंका लग जाएगी, लग गई होगी बहुतों की, तो कल 3 लाख लोग लिक्विडेट हुए हैं सिर्फ बाइनेंस के अंदर। EGLD देखिए EGLD मैं तो अभी कहूंगा नहीं आपको लेने के लिए EGLD को, EGLD कम से कम भी आपको 39 एंड बिलो ही देखना चाहिए, अभी नहीं EGLD अभी नहीं। डॉज देखिए फ्लैग बन रहा है,
अगर आपको यहां पर एंट्री मिलती है ना करीब 15.5 सेंट पर डोज कॉइन में, एक एंट्री ले लेना। अगर दूसरी एंट्री अगर आप अभी अगर अभी नहीं ले पाए हो तो आपको कम से कम 0.182 के अबव 4 आवर की क्लोजिंग देखने पर एंट्री लेना, तो करीब करीब आप आसानी से 20 सेंट तक आसानी से जा सकते हैं इसमें डोज कॉइन में। काइबर नेटवर्क को देख लेते हैं, केएनसी को डोज बता दिया, जेएसजी देखिए डबल स्पोर्टर काफी अच्छा, अगर आपको ये करीब 61 सेंट से लेकर और 58 सेंट में मिलता तो एक एंट्री इसके बीच में आप जरूर लीजिएगा केएनसी में, ठीक है। मैं आपको सिर्फ स्कैल्प के लिए बता रहा हूँ, मैं आपको लॉन्ग मिड टर्म के लिए नहीं बता रहा, क्योंकि जैसे बीटीसी डोमिनेंस और इंक्रीज होगा इन सब की वाट लगेगी और डंप होंगे, ठीक है। स्कैल्प करिएगा बस और कुछ नहीं, टारगेट कल कम से कम लेके चलिएगा 70 से लेकर 75 सेंट तक का ईजीएलडी में, ओ सॉरी केएनसी में। चार्ट शेयर कर दिया है ट्विटर पेज के ऊपर, आप वहां पे जाके देख सकते हैं चार्ट को, ठीक है। आप देखते हैं 1 इंच, 1 इंच देखिए डे टाइम फ्रेम पे होल्ड करा 200 EMA को, एक एंट्री 45 सेंट के आसपास और एक 35 सेंट पर, ये दो एंट्री आप देख सकते हो इसके अंदर, और फिर इसके बाद आराम से ठंडे बस्ते में पड़े रहिए और वेट कीजिए अच्छे मौके का प्रॉफिट बुक करने के लिए। आई विल इन्फॉर्म टू एवरीबडी। एवो बता दिया है, एवो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। ILV इल्यूविजन करके शायद है ये कोई इल्यूवियम, ठीक है 200 EMA पर है, अच्छा है, बढ़िया है, चाहे तो एक एंट्री ठोक सकते हो अराउंड 96 सेंट से लेके 97 सेंट का डॉलर, हाँ 97 डॉलर के आसपास एक एंट्री देखना, बाकी अभी कुछ नहीं। सोल एंट्री देखिएगा कम से कम 140 से लेके $120 में, एंट्री देख लेना 163 206 तक आसानी से टारगेट रह सकते हैं, और थोड़ा और आगे चलेंगे तो हमारे टारगेट $260 का रहने वाला है इसके अंदर। ETC कुछ नहीं, ETC में कुछ नहीं, फ्रेश एंट्री 25.82 $26 पर है, या फिर $33 पर ही एंट्री लेनी है, उसके बीच में कुछ नहीं करना एज पर करंट सिनेरियो। AI स्लीपलेस AI को देख लेते हैं, शायद यही है, देखिए स्पोर्ट से नीचे है भाई, मैं इसमें आपको कहूंगा नहीं, मैं इसमें नहीं कहूंगा अभी आपको जाने के लिए AI में। QRDO
देखिए डबल बॉटम से पंप हुआ है, अगर फिर से अगर गेन एंट्री मिलती है 2.5 सेंट पर तो बहुत बढ़िया, पर 2.5 सेंट तक आने के लिए इसको कम से कम 50% डंप होना पड़ेगा, और इतना लगता नहीं कि इतना डंप होना चाहिए इसको। साढ़े 3 सेंट के आसपास एक एंट्री बनती है इसमें क्वाड्रो में। साढ़े 3 सेंट तक तो आना ही चाहिए, उससे पहले नहीं, उससे पहले क्वाड्रो में कुछ नहीं। डॉट कॉइन, वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। डॉट कॉइन, डॉट कॉइन ने ब्रेक डाउन कर दिया है और ये इस बार इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अगर ये यहां से ब्रेक होता है तो फिर करीब करीब हम इसको $6 पर देख पाएंगे और उसके बाद सीधा $4.5 के पास। अभी कुछ नहीं क्योंकि अभी 200 EMA का रेजिस्टेंस है इसके पास डे टाइम फ्रेम पर। इंटरनेट कंप्यूटर बढ़िया ओरिजिनल सपोर्ट है $13 पर, वहां से बाउंस हुआ है और फिर दूसरी एंट्री में $11 पे ही देखने को मिलेगी ICP में फॉर द टारगेट ऑफ 16.5 से लेके $21। ऑनडो डॉट बता चुका हूं, ऑनडो बढ़िया सपोर्ट था यहां पर, कल एंट्री के लिए बोला गया था 65 सेंट पर और ये गया भी है 55 सेंट तक भी गया है। अभी 82-83 ओंडो ने तो बहुत फास्ट रिकवरी करी है, क्या बात, ऑलमोस्ट 50%, बढ़िया प्रोजेक्ट है। 76 और 65 सेंट फिर सेंट्री देखना, उसके बाद 40 सेंट पर। BTC बता चुका हूं, मैटिक मैटिक ने ब्रेक डाउन कर दिया है जो कि अच्छा साइन नहीं है। 70 सेंट पर एक एंट्री ले लेना मैटिक के अंदर। तो एवो बता चुका हूं। तो दोस्तों आज के इस सेशन में बस दोस्तों इतना ही, ठीक है। एवो बता चुका हूं, जाकर वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ और नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाइएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे इवनिंग में दोबारा से आप लोगों की क्वेरीज के साथ, जो भी होगी मेरी तरफ से जो मैं सॉल्व करने की कोशिश कर सकता हूँ वो बताऊँगा जरूर। तो नमस्कार दोस्तों।